दोस्तों स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज मैं आपको इस वायरिंग डायग्राम को अपने बोर्ड में फिट करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक 5-पिन सॉकेट है, दो स्विच हैं और एक 2-पिन सॉकेट है। इसका कनेक्शन किस तरह से आप कर सकते हो इसके बारे में आज मैं करके दिखाऊंगा। दो स्विच दी गई हैं, एक स्विच जो इसका नीचे दिया गया पॉइंट और दूसरे स्विच का नीचा पॉइंट, दोनों को यहाँ के मिला के यहाँ पे एक फेज वायर निकलेगा और पहले स्विच में से एक 5-पिन में पॉइंट जाएगा, दूसरे स्विच में से यहाँ पे 2-पिन में, 2-पिन सॉकेट में यहाँ पे कनेक्शन देना है। और 2-पिन सॉकेट में से जो ऊपर का कॉन्टैक्ट है वहाँ में से एक वायर निकलेगा और 5-पिन सॉकेट में से दूसरा को यहाँ पे एक में तो दिया गया है स्विच वन का और दूसरा जो खाली है वहाँ से एक पॉइंट, यानी कि ये वायर निकलेगा हमारा न्यूट्रल वायर निकलेगा। तो एक न्यूट्रल और फेज वायर का कनेक्शन इस बोर्ड में किस तरह से करना है वो मैं आज भी आपको बताऊंगा। तो हम ले लेते हैं एक 5-पिन सॉकेट, दो स्विच और एक 2-पिन सॉकेट और एक बोर्ड। तो ये रहा हमारा एक 5-पिन, एक 2-पिन और दो स्विच हैं। तो अब हम पहले बोर्ड में कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो हमने सीधा ही इसको बोर्ड में फिट कर दिया है, एक 5-पिन सॉकेट, दो स्विच और एक 2-पिन सॉकेट। तो चलो हम अब इसका कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको हम यहाँ से कनेक्शन करते हैं इस स्विच का 2-पिन सॉकेट में। तो सबसे पहले हमें स्विच के ऊपर के कॉन्टैक्ट से यहाँ पे 2-पिन सॉकेट में नीचे दिए गए पॉइंट से कनेक्शन करते हैं और हमारा जो फेज का वायर है वो रेड कलर का रहेगा और जो न्यूट्रल का वायर है वो येलो कलर का रहेगा। तो यहाँ पर स्विच, दूसरे स्विच का यहाँ पे 2-पिन सॉकेट से ऊपर का पॉइंट का कनेक्शन हो गया है और यहाँ पे अब हम दोनों स्विच, यानी कि दोनों स्विच हैं इसके नीचे के पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अब दोनों स्विच, यानी कि दोनों स्विच हैं इसके नीचे दिए गए पॉइंट से कनेक्शन करते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि दूसरे स्विच में यहाँ पे मेन वायर जो निकालना है यानी कि फेज का, उसको दोनों को कस के बांधे यानी कि कोई स्पार्क ना हो। यहाँ पे इस तरह हमें कर देना है और यहाँ पे दूसरे स्विच में दे देना है। इस तरह से कर देने से क्या होता है कि कोई स्पार्क नहीं होती है और अच्छी तरह से स्विच पे चलते हैं और स्विच का ख़राब होना नहीं कम हो जाता है। यानी तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा फेज का वायर रहेगा, यानी कि मेन वायर ये रहेगा। अब हम इस स्विच का कनेक्शन यहाँ पे इस 5-पिन सॉकेट से करते हैं, यहाँ पे ऊपर वाले कॉन्टैक्ट से यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे
तो हमारा फेज के वायर का कनेक्शन जो हो गया है यहाँ पे, यहाँ से हम काट लेते हैं। तो अब हमारा रहा न्यूट्रल, जो इसमें हम येलो कलर के वायर को यूज करेंगे, जो यहाँ यहाँ जोड़ना है और यहाँ, इसके बाद यहाँ से निकालना है। तो करते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे 2 पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट में से यहाँ पे न्यूट्रल निकला हुआ है ऊपर के कॉन्टैक्ट से और यहाँ से। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है और अब हम यहाँ से इसको भी काट लेते हैं। तो कंप्लीट हो चुका है और अब हम चेक कर लेते हैं कि ये कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो अब हम इसको चेक करते हैं इसमें आके कि कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। बल्ब को चालू करते हैं यहाँ पे। तो कंप्लीट हो चुका है हमारा बोर्ड, यानी कि आप देख सकते हो। तो ओके, हो गया है हमारा बोर्ड यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।